तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि बेसिकली देखो यार, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वह सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की मिलावटी नहीं है, समझ रहे ना। तो फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल जो होता है, आप यहाँ से डिफिनेशन समझ सकते हो फर्मी लेवल का, ठीक है ना। फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एट द जीरो टेम्परेचर इज नोन एज फर्मी लेवल। द फर्मी लेवल लाई बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड जीरो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का गेम है, समझ रहे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में चेंज हो जाएगा, और फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के भी, ये कंडक्शन बैंड है तो कंडक्शन बैंड के जितना पास रहेगा उतना अच्छा कंडक्टिविटी होगा, समझ रहे हो। और अगर जो है यहाँ वैलेंस बैंड है, समझ रहे ना, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। और फर्मी लेवल अगर तुम देखोगे यहाँ से वैलेंस बैंड के पास रहेगा तो उतना वैलेंस बैंड के पास रहेगा तो उतनी कम कंडक्टिविटी का चांस होगा। तो चलो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रिंसिक से प्योर सेमीकंडक्टर, किसी तरह की मिलावट नहीं है भाई, तो क्या कंडक्टिविटी होती है प्योर सेमीकंडक्टर? 0 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर सेमीकंडक्टर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फर्मी लेवल बीचों बीच रहता है, मतलब फर्स्ट का जो है वो अपना सेकेंड ऑप्शन सही है। फर्मी लेवल लाई इन द मिडल ऑफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। एन टाइप सेमी कंडक्टर भी कंडक्टिविटी हाई होती है एट कंपेयर टू पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के पास रहेगा, तो कंडक्शन बैंड के पास फर्मी लेवल नियर द कंडक्शन बैंड, मतलब इसका अपना थर्ड ऑप्शन सही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखोगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, तो अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल होते हैं बेसिकली अगर बात करोगे, तो इसमें इसके कंपेयर में कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो कम होती है तो ऐसे याद कर लो, रट लो, याद करने का तरीका समझ ना, याद करने का तरीका कि कंडक्शन बैंड से दूर रहेगा, समझ ना, मतलब वैलेंस बैंड के पास रहेगा। तो फर्मी लेवल आई वैलेंस बैंड, मतलब यहाँ से देखोगे तो सी का फर्स्ट। और मेटल, मेटल तो कंडक्टिविटी अच्छा खासा करेगा, तो मेटल कंडक्टिविटी है फर्मी लेवल इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्शन बैंड के अंदर ही आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ही। तो इस हिसाब से तुम देखोगे तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच करेगा, तो कौन सा अपना अपना मैच करेगा, ए का सेकंड, बी का देखो बी का थर्ड, मतलब डी ऑप्शन मैच करेगा। तो आई होप कि ये बहुत क्लियर हो गया, बेसिक क्वेश्चन था बहुत, लेकिन आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और दोस्तों के साथ शेयर करके एक कंट्रीब्यूशन तो करो यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।